इसके हिसाब से भी लोग वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो गाइस हम आ चुके हैं अपने सर्वाइवल चीज के नए पार्ट में। तो गाइस देखो, मैं आपको बताता हूँ, मैंने ना कल मतलब कल जो बीच की मैं लाइव देख रहा था, तो मतलब मुझे ना ऐसा लगा कि भाई उसने बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्म कर रखा है अपने इलाके को। एंड मैंने उसके बारे में एक चीज़ देखी जो कि मेरे को बहुत अच्छी लगी, मतलब कसम से कह रहा हूँ बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। उसके वर्ल्ड में हर बंदा ना अपने अपने काम को पूरा कर रखता है। मतलब जैसे मान लो ये एरिया है, ये कितना बेकार लग रहा है, मतलब प्लेन नहीं है तो कितना अजीब सा लग रहा है। तो देखो ये तो मैं 5 मिनट में अभी आपको प्लेन करके ही मिलूँगा, क्योंकि इसको प्लेन करना ही पड़ेगा। देखो भाई, मैंने बहुत सारा एरिया प्लेन किया है अपने विलेज के पास, भाई बहुत मेहनत लगी, लगभग 3-4 घंटे लगे हैं, बट कोई दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि मोटा पावा ट्रेडिंग में लगा पड़ा है। उसको भाई घर खरीदना है वो वाला, उस घर में मैं अड्डा भी नहीं जमा सकता है, वो खरीदने के पीछे पड़ गया है। तो गाइस देखो, मैं सोच रहा हूँ ना कि मैं भी अपने वर्ल्ड में थोड़ा ट्रांसफॉर्मेशन करूँ एंड उसे भी थोड़ा ओपी करूँ। तो मैंने देखा अंशु बीच ने ना अपना नेदर पोर्टल, अपने लिलीविल का नेदर पोर्टल कितना कूल बना रखा था, मतलब मजाक से हट के यार बहुत ओपी लग रहा था। तो मेरा ही मतलब ऐसा मन करा काश मैं भी ये चीज़ कर पाऊँ, काश मतलब ओपी नेदर पोर्टल बना पाऊँ तगड़ा सा। बट यार उसके लिए अभी मुझे बहुत सारा ऑब्सीडियन एंड बहुत चीज़ें चाहिए। तो बस आज की वीडियो में मैं क्या करने वाला हूँ, मैं अपने एरिया को जितना हो सके उतना सुंदर बनाने की कोशिश करूँगा, यानी कि जितना ज़्यादा डिज़ाइंड हो सके, जितना ज़्यादा प्यारा बन सके उतना प्यारा बनाने की ट्राई करेंगे। एंड गाइस देखो, मेरा जो मेन गोल है ना, देखो गाइस मैंने सोचा था कि पोटैटो फार्म बनाऊँगा, बट वो चीज़ अलग है। पोटैटो फार्म बन चुका है, मतलब बना नहीं है, बट ये फार्म काफ़ी एफिशिएंट है, ये मुझे टाइम टू टाइम अच्छा सामान दे देता है। बट भाई आपको एक तरीके से बताऊँ ना, तो मुझे फिर भी बहुत कमी है महसूस होती है हर चीज़ में, मर जाना। चलो ब्रो, अब मैं आपको दिखाता हूँ मोटा बाबा इतने टाइम से कहाँ पे ट्रेडिंग कर रहा है और क्या लकड़ियाँ काट रहा है। भाई ये तो चलो छोड़े, तो मैंने ही लगा के छोड़ रखी है, दिखाता हूँ। और देखो भाई कितना बड़ा एरिया प्लेन किया है मैंने, मतलब खाली मैंने नहीं, मोटा बाबा था, मैं था और एक एक्सटर्नल बंदा हम ले आए थे उठाकर, वो बंदा मतलब काम अच्छा कर रहा था, मैं एक तरीके से बताऊँ तो वो काम सही कर रहा था। ये देखो गाइस कितना बड़ा एरिया प्लेन्ड है यहाँ पर, और वो मैंने किया, पता नहीं क्यों बट मैंने किया। तो गाइस देखो, मैं यहाँ सोच रहा हूँ ना, यहाँ पर मैं बहुत सारे शॉप से बनाऊँ एंड वहाँ पे विलेजर्स डालूँ, बट इतना टाइम भी तो नहीं है मेरे पास। ये देखो गाइस, ये तब से यहीं लगा पड़ा है, भाई मतलब कोई बंदा सोच भी नहीं सकता है इतनी ट्रेडिंग कर रहा है। 2 मिनट, इसके पास सामान देखो कितना पड़ा है, ये देखो भाई पता नहीं कहाँ कहाँ से सामान उठा, लकड़ी काट रहा है, आयरन ला रहा है। और गाइस मैं आपको अपना आयरन फार्म पे भी व्यू करवाता हूँ। भाई जिसने भी हमारे लिलीपोट्स एसएमपी की पिछली वीडियोस नहीं देखी है, भाई वो सारे बंदे जाके देख लो, भाई बहुत क्रेजी क्रेजी काम किया हमने, मतलब बिल्कुल ओपी वाले काम किए हैं। तो गाइस देखो, तो भाई सिंपल सी बात है, हमें हमारा टारगेट पता है, हमें एरिया को किसी भी तरीके से मतलब एक सुंदर प्लेटफॉर्म में कन्वर्ट करना है। यानी कि देखो, हम सबसे पहले एक यूनिक चीज़ कर सकते हैं, हर जगह जाने के लिए रेलवे, ठीक है ना, मतलब हर जगह से हर जगह जाने के लिए एक रेलवे बनना चाहिए, और ये मांग मेरी ही है, इसके लिए मैंने ही बोला है। तो बस देखो, अगर हमें रेलवे चाहिए तो हमें चाहिए होंगी बहुत सारी रेल, माइनकार्ट, तो वो मैं कनेक्शन करूँगा इस एरिया से, समझ रहे हो ना, इस एरिया से लाऊँगा और सीधा विलेजर हॉल से कनेक्ट करूँगा, और हर रास्तों से कनेक्ट करूँगा, मतलब समझ रहे हो ना आप, हर जगह से हर जगह का एक एक पॉइंट होगा। मोटा बाबा का हाउस है ना, वहाँ वहाँ तक का भी एक रूट बनाऊँगा। तो चलो भाई, ये मैंने कोई रास्ता चढ़ने फिरने का नहीं बनाया, क्योंकि अभी देखो मैं सच्ची कहूँ, ये सर्वाइवल सीरीज एंड होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि मैं देख ड्रैगन को मारने के लिए मैं रेडी होऊंगा ही नहीं किसी भी तरीके से, समझ रहे हो ना, मैं ड्रैगन को मारने के लिए रेडी होऊंगा ही नहीं। और मैं ना गाइस, अगर आप सोच रहे एनिमल्स क्यों नहीं पाल रहा हूँ, तो मेरे दिमाग में बताऊँ क्या चल रहा है, मैं एनिमल्स के फेसेस बनाऊँगा एंड उन्हें उसी के अंदर पालूँगा,
समझ रहे हो ना, बहुत यूनिक सा आइडिया है, एंड जू टाइप बनाएंगे उसके अंदर ये सब काम करेंगे। तो चलो लेट्स गो गाइस। सबसे पहले हमें यहाँ पर इस एरियाज़ को प्लेन करना होगा ताकि हम दूर दूर तक के एरिया फिक्स कर सकें। और गाइस ये घर ना दो बार गायब हो चुका है, पता नहीं कैसे गाइस, बट ये घर गायब हो जाता है एकदम से। भाई ये देखो कितना कूल अमेजिंग घर है भाई, मतलब ये चीज़ तो मेरे दिमाग में अनस्विश्ड की वीडियो से आई, मतलब मैं कुर्सी पर बैठा हूँ, लेट्स गो भाई, मैं सच्ची में बैठा हुआ हूँ भाई, बहुत मस्त चीज़ बना रखी है। और ये देखो आसपास आप, ये रहा टेबल, ये रहा हमारे बुक पढ़ने का राइटर का टेबल, ये भाई बेडरूम। अब आप सोच रहे हो स्टोरेज रूम का है, तो भाई वो मोटा बापू का बिल्कुल सीक्रेट एरिया पे जा चुका है। मतलब देखो ये मुझे और मोटा बापू को भी पता है कि कहाँ पर कैसे है और क्यों, समझ गया ना भाई। उसने कहा था ना यार स्विमिंग पूल छोड़ के, छोटा स्विमिंग पूल यानी कि इस लेवल का स्विमिंग पूल बनाकर नीचे के एरिया पे एक सीक्रेट बंकर बनाऊंगा, बट उसको ये चीज़ अच्छी नहीं लगी, उसने कहा भाई टर्टल पालूंगा मैं इसके अंदर। मैंने कहा ठीक है। तो चलो गाइस हमें सबसे पहले हर जगह से माइनक्राफ्ट जोड़ने के लिए क्या करना होगा, एक अच्छा सा प्लेटफॉर्म कवर करना होगा, है ना। तो चलो भाई मैं आपको बहुत बड़ा एरिया प्लेन करके मिलता हूँ आपसे 5 मिनट में। तो गाइस मेरी रिकॉर्डिंग इतने टाइम से ऑफ थी भाई, अबे मैं इतनी देर से मेहनत कर रहा हूँ, 1:81 होने को आ गया है और मेरी रिकॉर्डिंग ऑफ थी, व्हाट द फक भाई। यार मेरे लिए तो ये काफी बुरी बात है, मोटा बाबा कहाँ चला गया भाई ये। अबे यार इसके नेटवर्क ही जाते रहते हैं। तो गाइस मुझे, मैंने देखो बहुत सारा काम किया, मैंने एक बंदा बुलाया ताकि जल्दी काम निपटे, और मैं सच्ची के तारा हूँ भाई, मैं बिल्कुल अब ना बहुत सच कह रहा हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे इस एरिया को इतना सही देख भाई, सच्ची कह रात जब होती है ना तब ये एरिया अलग ही मतलब शो होने लगता है, मतलब एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता कितना भाई, मतलब पहले जैसा लगता था वैसा तो अब बिल्कुल नहीं है भाई। आ गया मोटा बाबा, भाई मोटा बाबा हर एरिया की सीढ़ी का काम कर रहा है, मगर उसके बदले उसने पता है क्या लिया है, 5 स्टैक एमरल्ड, समझ रहे हो ना, हराम खाऊ पंती होती है वो उसके अंदर कूट कूट के भरी है, मतलब बंदे ने फ्री में नहीं किया कि दोस्त दोस्त है। चल लेट्स गो, अब हमें यहाँ से डोर को बंद करना होगा। भाई देखो मैंने बहुत ज़्यादा ग्राइंड किया था इसके लिए, मतलब ज़्यादा टाइम नहीं लगा, ये कहीं 12-13 मिनट ही लगे, मुझे ज़्यादा ग्राइंड नहीं करना पड़ा क्योंकि मैक्सिमम सामान था मेरे पास, ब्रेड रख लेते हैं, खाना ख़त्म हो गया भाई मेरा जितना भी था मेरे पास। अब आप सोच रहे मैं कब कितनी देर से लगा पड़ा हूँ, शवल का काम हो सकता है, पिकैक्स हटा देते हैं एंड हमें चाहिए एक एक्स जो कि रही ये वाटर बकेट का कोई काम नहीं है, तो लेट्स गो फटाफट से बनाते हैं क्राफ्टिंग टेबल, लेट्स गो सू क्राफ्टिंग टेबल। भाई मेरी मानने तो यहाँ पर लगा ही देते हैं और छोड़ देते हैं भाई, मान लो किसी को कुछ बनाना बनाना हो आके, तो सबसे पहले हमें लेना है यहाँ पर ये, उसके बाद लेना है यहाँ पर, एक डोर में तो काम होगा नहीं भाई, सभी को पता है, 1, 2 चलो 3 आ गए डोर, लेट्स गो 1। सर सॉरी यार 3 कहाँ से लगेंगे, 1 रख लेते हैं आगे काम आएगा। अब देखो गाइस मैंने ना एरिया को जितना ज़्यादा प्यारा हो सके उतना बनाने की ट्राई की है भाई, ताकि किसी को कोई, मेरे पूरे लिलीपुट मेंबर्स को कोई दिक्कत ना हो, लिलीपुट मेंबर्स को, क्योंकि भाई ये सब कह रहे हैं, मतलब जितने ही बंदे यहाँ पर रहते हैं, मेरे जितने ही भाई यहाँ पर प्रोग्रेस करते हैं, अपना सामान वामान जमा करते हैं, उन सबको कोई दिक्कत ना हो। एंड बिल्कुल भाई डेकोरेशन में चल रहा है मेरा भाई, और भाई मैं बंदों को कहता हूँ ना जब कि भाई थोड़ा भाई आगे भाई आगे, तो रुक जाओ भाई वो बुला रहा है ऐसा ऐसे मुझे, ये देखो गाइस ये यहाँ पर काम कर रहा है, तू ये वाला कंप्लीट कर पहले, आगे का मैं बाद में देखूँगा। और भाई ये देखो पहले ये हम लोग ये लगाते हैं फिर बाद में उखाड़ लेते हैं, क्योंकि
क्योंकि यार उस तरीके से प्लेस करना इसे आता ही नहीं, तो मैंने इसे यही टेक्निक बता दी। रुक जाओ गाइस, इसे काट के देता हूँ। वो तो पहले ये कम्प्लीट, हाँ इस पर लगा लेना, पहले ये कम्प्लीट कर ले, उसके बाद बाकी का देखेंगे। तो चलो लेट्स गो गाइस, मैं इसे काट के दे देता हूँ एंड फिर ये इससे काम करेगा। और इतनी स्टेयर्स और ये वाली वुड मेरे को भाई, हमारे बायोम बहुत क्लोज है भाई। चेरी ब्लॉसम वो भी बहुत पास है, और यहाँ पर ना बहुत पास में ही क्या नाम है, ये ले भाई दो स्टैक और मिल गई। चलो बाय, पहले ये वाला कंप्लीट कर फिर मेरे पास आ जाइए, ठीक है। तो गाइस अभी हम पेड़ पूड़ लगाएंगे, और भाई मैंने बहुत बड़ा एरिया प्लेन किया है। और गाइस देखो, मैंने इस वर्ल्ड में मोड्स लगाए हैं भाई, किया है तो मना क्यों करूं भाई, लगाए हैं बहुत अच्छे अच्छे मोड्स लगाए हैं, ताकि हमारे मेंबर्स को कोई दिक्कत ना हो। भाई देखो, एक मोड है जिससे हम लकड़ी काटेंगे तो हमें एक बार में मिल जाएगी, एक मोड है जिससे हम किसी भी एरिया को प्लेन कर सकते हैं, मतलब मैं बताता हूँ, जिस भी ब्लॉक पे हमें बस टैप टैप करते रहना है ब्लॉक्स पर, और वो ब्लॉक हमें टूट के मिलते रहेंगे। और अगर हम चाहें तो एक चंक जैसे कि 10x10 तक का मैक्सिमम तोड़ सकते हैं एक बार में। तो इसलिए भाई मैंने अपने मेंबर्स को जगह मिलती रहे, इसलिए मैंने वो मोड भी लगाया एंड अब हटा दिया है, क्योंकि ताकि बाकी बंदे कुछ कहे ना। तो चलो लेट्स गो भाई, मैंने आपको बता दिया कि आप लोग ऐसा ना कहो कि भाई क्रिएटिव से किया, मैं क्रिएटिव नहीं करता इस वर्ल्ड में। मतलब देखो भाई, कभी मजबूरी में कर भी लिया ना तो सामान तो नहीं लूँगा क्रिएटिव से, कि क्रिएटिव से सामान लेना होता है ना, वो बहुत बहुत बुरा, समझ लो बेकार ही हो गया वर्ल्ड। अबे ये क्या हो गया, लेट्स गो, यहाँ लगाओ, यहाँ लगाओ, फिर यहाँ लगाओ। भाई यार कितना प्यारा वर्ल्ड लगेगा भाई हमारा, भाई मोटा बाबा का हाउस तो एकदम अलग ही लग रहा है भाई। चलो गाइस, बिल्कुल प्यारा एकदम हमारा एरिया बन चुका है, हम हर कॉर्नर्स पे ये प्लेस कर देते हैं ताकि यहाँ पर लाइटनिंग की कोई दिक्कत ना हो। मोटा बाबा के हाउस के बाहर भी से प्लेस कर देते हैं, लाइटनिंग की दिक्कत हमारे पूरे लेवल में नहीं, भाई लिलीपुट में नहीं आनी चाहिए, क्योंकि हम सारे मेंबर्स बहुत प्रोग्रेस करते हैं लिलीपुट में, तो भाई कोई दिक्कत आती है तो उसको हमें ही सॉल्व करना होगा। देखिए ये, और एक सेंटर में, लेट्स गो। भाई चेरी ब्लॉसम की थोड़े पेड़ लेंगे हम, ताकि हम इसके घर के आसपास लगा सकें और वो थोड़ा ग्लो अप कर सके। तो चलो गाइस, भाई मेरी, मैं सच्ची कह रहा हूँ, ये मैं कहीं बहुत भाई घंटे भर हो गए, दो तीन, मैं तब से खेल रहा हूँ और आपको यहाँ पर सिर्फ इतना ही दिख पा रहा है, बताऊँ क्यों भाई, रिकॉर्डिंग ही ऑफ हो गई थी। मोटा बाबा को देखो भाई कितनी मेहनत कर रहा है बंदा, ये देखो भाई कंप्लीट कर दिया यार बंदे ने। तो चलो गाइस, मैं आपको सारी सीढ़ियाँ लगाकर मिलता हूँ आपसे। भाई ये देखो कितना कूल लग रहा है यार, मेरे घर से मोटा बाबा का घर कनेक्टेड, उससे शुगर केन फार्म कनेक्टेड, उसी से पोटैटो फार्म कनेक्टेड, भाई कितना सही है। हम विलेज से भी कनेक्ट करेंगे, बट अभी विलेज डेकोरेट नहीं हुआ। भाई नेक्स्ट वीडियो के लिए प्लीज़ टॉपिक दे दो मुझे, ताकि मैं आपके कहने पर कुछ ओपी क्रेजी बना सकूं। भाई मैं तो वेट कर रहा हूँ आपके कमेंट का, भाई कितना प्यारा लग रहा है हमारा अब लिलीविल, और सॉरी लिलीपुट, यार लिलीविल बोलने की आदत हो गई है, अंशु विश की वीडियो ज़्यादा देखने लगा हूँ लगता है। भाई तेरे पास वो, चल थोड़े यार इसको भी मेहनत करने देते हैं। ओ भाई कितने एमरल्ड हो गए तेरे पास, कितने स्टैक एमरल्ड हो गए जल्दी बोल, इस डब्बे में डालियो कितने स्टैक हो गए। वो चल आजा सो जाते हैं, आजा 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 मेरे साथ आजा आजा। चलो गाइस अभी इसके लिए नहीं है, आजा यार आजा, अभी ये इसके लिए मतलब इसका नहीं है, बट फिर भी यार से आजा ना, आजा 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 यार, तेरा ही घर समझ जो ये होगा शायद पक्का, आजा आजा आजा, ये रहा बैठ सो जा। तो गाइस हम लोग सो चुके हैं एंड नेक्स्ट मॉर्निंग उठते हैं, लेट्स गो। चलो गाइस भाई फटाफट चल, जल्दी चल मेरे साथ, आजा जल्दी बाहर आ, ओए ओ बाहर आ, ओए बैठा हुआ क्या है वहाँ, कुर्सी पर बैठेंगे, चल नीचे
भाई देखो यहाँ की चेस्ट जो है ना वो अंडरग्राउंड है, ताकि कोई चुरा ना पाए हमारे मोटा बाबा का सामान। ओए यहाँ क्या है, इसमें क्या है? अबे ये मोटा बाबा के है यार, एंटर पर रख लेते हैं। ओ मोटा बाबा, तो गाइस देखो मैं आपको ही थोड़ा एरिया वेरिया फिल करके यानी कि स्टेयर्स लगा के फिर हम आपको मिलते हैं 2 मिनट में। हमने बहुत सारा काम ख़त्म कर लिया है और भाई ये बारिश ने और इरिटेट कर रखा है भाई मेरे को। भाई मोटा बाबा भी बहुत मेहनती वाले काम कर रहे हैं। अब आप सोच रहे हो ये सीढ़ियाँ ऊपर की तरफ क्यों जा रही हैं? भाई देखो मैंने क्या कहा था, मैं इंस्पायर किससे हुआ हूँ? लिलीविल से, सॉरी अंशु बीच के लिलीविल से। तो उनके पास क्या क्या है? रेलवे, जो कि मुझे चाहिए भाई। मैं मेहनत जितनी मर्जी लगे मगर मैं बनाऊँगा। What the fuck? भाई देखो सच्ची कह रहा हूँ, मैं बहुत टाइम से चीज़ें कर रहा हूँ। मैं और मोटा बाबा भाई कब से लगे पड़े हैं भाई, हम लोग पागलों की तरह यही करे जा रहे हैं तब से। भाई उसे भी ये सब चीज़ें में मज़ा आ रहा है क्योंकि मैं उसे एमरेल्ड दे रहा हूँ। वो बंदा फ्री में मैंने कहा ना भाई कर दे, तो ऐसे कह रहा है भाई एमरेल्ड दे दे, मुझे घर खरीदना है। मतलब मेरा ही घर मेरे ही पैसे से प्रॉपर खरीद रहा है वो। मतलब काम तो मेरा ही कर रहा है वैसे। भाई कितना लंबा, मैं आपको बताता हूँ ये हमारे एरिया से कनेक्टेड है डायरेक्ट, हमारे हमारे लिलीपुट से कनेक्टेड है। और इस एरिया को हम बना देंगे शॉप वाला एरिया, मतलब जो भी बंदे अपनी यहाँ दुकान खोलना चाहे खोल सकते हैं। यहाँ पर कोई अपना घर बनाना चाहे, कोई ये समझ लो एक अलग एरिया है समझ लो, कोई वो नहीं है। यहाँ पर कासल भी बना लो, यहाँ पर तुम लोग जो मर्जी बना सकते हो। ये देखो भाई मैं तुम्हें दिखाता हूँ। भाई देखो बैकग्राउंड नॉइस को इग्नोर करना। ये देखो कितना बड़ा एरिया है भाई, ये देखो वहाँ से वहाँ तक देखो। मैं इसे और बड़ा करूँगा, टेंशन मत लो। भाई देखो अगर आप सोच रहे हो कि ये इतना बड़ा कैसे हुआ, मैंने एक मोड से किया है उसमें। मतलब देखो लोग कहते हैं कमांड से भी होता है, लेकिन कमांड डालते ही ना वर्ल्ड मेरा चीट में आ जाएगा, समझ रहे हो ना, मतलब चीट हो जाएगी। अब मुझे लकड़ी लेने जाना पड़ेगा। चलो गाइस मैं आपको लकड़ी से, चलो ये पूरा भर के ही मिलता हूँ, माइंड कार्ड लगाते हुए दिखाऊंगा आपको, ठीक है ना। ये पूरा भर के मिलता हूँ मैं आपसे 2 मिनट में। तो गाइस बहुत मेहनत के बाद हमने इतनी प्यारी रेल बनाई है ना भाई, कसम से इतना मज़ा आ रहा था इससे झूलने में, मैं सारे काम छोड़ के इस पर झूल रहा था। और गाइस हमने भाई मोटा बाबा कितनी मेहनत कर रहा है ये बताऊँ, देखो आपको दिखाऊँ। ये देखो गाइस ये मोटा बाबा का कलेक्शन है, मतलब वो बंदा इस मेरा ये घर खरीदने के चक्कर में एमरल्ड ही जमा कर रहा है तब से। तो गाइस मैं एक काम करता हूँ, उसे घर ही चाहिए ना भाई। देखो मुझे क्या चाहिए, एमरल्ड्स के ब्लॉक, उसे क्या चाहिए ये घर। और मुझे एमरल्ड के ब्लॉक क्यों चाहिए इसकी वजह बताऊँ भाई, मुझे ना एक पूरा महल बनाना है एमरल्ड का। अब आप इमेजिन कर लो भाई 75 ब्लॉक्स ऑफ एमरल्ड बनेंगे भाई, अभी मोटा बाबा जितने भी एमरल्ड के बैठा है 75 ब्लॉक्स ऑफ एमरल्ड, यानी कि मेरा 10% काम तो ख़त्म हो गया है, 90% अभी बाकी है। तो वो 90% हम पूरा करेंगे पक्का पक्का अगली, वो मेरे को मारा क्यों, पक्का पक्का अगली वीडियो में। आप बता दूँ कैसे भाई, देखो मोटा बाबा है ये बंदा, ओ ये ले इसे घर के कागज़ दे देता हूँ। चलो भैया इतना काफ़ी है, ठीक है। वैसे रेट तो 800 एमरल्ड था बट कम कर दिया तेरे लिए, चल कोई ना। तो चलो गाइस इसको कागजात दे देता है घर के, भाई घर के कागजात। ओए वो बाहर निकल है भी घर से, तेरा घर नहीं है, निकल निकल यहाँ से, ऊपर क्यों चढ़ के आ रहा है गरीब, कागजात इसके हो गए जैसे। तो भाई इसे सीक्रेट जगहों की चाबी भी देनी पड़ेगी। तो चलो गाइस कागजात उठाते हैं इस घर के, कागजात उठा लिए। अब गाइस मैं इस पे पूरा स्टेटमेंट, तेरी भैंस की, निकल इधर से गरीब गरीब आदमी, इस गरीब को देखना भिगमंगा साले, बीक चाहिए तो कहीं और जाके मांग, हाँ नहीं तो अमीरों के घर में। तो गाइस मैं पूरी इसकी, ये मरेगा, इसको मार ही देता है पहले गाइस 2 मिनट। रुक 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 रुक, नहीं तो रुक जा सारे गरीब आदमी, मैं फकीर आदमी है, निकल यहाँ से इसको। अबे यार इस पे आर्मर नहीं है यार, कोई ना और मार देते हैं। कहीं इसको घर मिलने के बाद ना ये जाएगा माइनिंग पर,
और फिर देखना है कितने आर्मर बनाता है, क्या क्या करता है भाई, ये माइनिंग में बहुत अच्छा है। तो चलो गाइस स्टेटमेंट लिख के मिलता हूँ आपसे 5 मिनट में। तो गाइस स्टेटमेंट हो चुकी है, प्रॉपर सब लिख दिया है, मोटा बाबा बहुत खुश है भाई, ये बंदा पागल हो रहा है। इतनी भाई कितना कूल हो गया ना हमारा एरिया। देखो अभी कंप्लीट नहीं हुआ, अभी हम करेंगे और, बट मैं आपको सिर्फ दिखा रहा हूँ। रेलवे लाइन हो गई भाई, देखो इतने में काम नहीं होगा, अभी हमें बहुत कुछ बिल्ड करना है, इसलिए मैं ज़्यादा एरिया आप डिज़ाइनिंग में नहीं दे रहा हूँ। तो चलो गाइस अब ये जाके हम आपको आपको पढ़ना है ना, रोक के पढ़ लेना ये देखो। चलो गाइस अब भाई, अब मैं आपको इस मोटा बाबा को एक चाबी दे देता हूँ, जो इस घर की मेन चाबी है, मतलब जो सीक्रेट बेस की चाबी है वो मोटा बाबा को मिलेगी अब। भाई देखो मेरे कोई भी सब्सक्राइबर्स प्लीज़ वर्ल्ड में आके चोरी मत करना यार, मैं तैयार हूँ, तुम सब सब खेल लेना, बट चोरी चकारी से बच के रहना यार, मेरे को गुस्सा आता है यार फिर बहुत ज़्यादा। इस चक्कर में यार कितने बंदे मैंने निकाल दिए वर्ल्ड से, और कितनों को खेलने भी नहीं देता मैं। चलो भाई अब ये ना, इन पे नाम लिखना पड़ेगा मुझे मोटा बाबा का। 8 सेवरेट हटा दिए, फॉर सेल भी हटा दिया, अब यहाँ लिखेंगे हम मोटा बाबा हाउस। पैसा बैनर भी लग गया गाइस, भाई पैसों में खरीदा है भाई ने इतनी। ओए अभी नहीं आना ऊपर, मेरे कागजात चाबी वाबी सब बना के लाऊंगा नीचे। चलो गाइस फटाफट से चाबी बना के देते हैं भाई, सीक्रेट तो सीक्रेट है भाई, जो बात है। 2 मिनट, एनविल भी तो था यहाँ पर, व्हाट द हैक यार, एनविल खोल। ये देखो गाइस ये है इस बार वो, भाई खुलना, खुल जा भाई। वो मैं समझ गया, अब मैंने इसमें जो नाम लिख के लगाया है वही से। भाई देखो मैं नाम वाम डाल के मिलता हूँ आपसे 5 मिनट में। तो गाइस सब कुछ तैयार हो चुका है, कागजात वागजात सब बन चुके हैं, और मैंने भाई इसमें वार्निंग भी लिख दी है ना भाई, 10 गोल्ड ब्लॉक अगर टाइम से जमा ना हुए तो मोटा बाबा वापस से मेरे हाथ में आ जाएंगे ये पूरा घर। तो चलो भाई मोटा बाबा उसकी चाबी, और अबे वो तू जा रहे नहीं जा रहे दरवाजे से मेरे, हैं कहाँ गए वो फकीर आदमी, नीचे उतर पहले तो पैसे दे दिए, इसका मतलब घर में घूमेगा। निकल निकल, मैं घुमाऊँगा, इधर आ जाइए, इधर आ लीजिए साहब। सबसे पहले आप ये कागजात पकड़िए, इन कागजात को मैं लगा, आओ मेरे साथ आओ। ओए ओए नल्ले इधर आना, अबे यार उसको बैग ही भरा रहता है। तो चलो गाइस इसको घर, भाई देखो एक और बंदा है जिसको घर बेचना है मुझे, टेंशन नहीं उसे, बहुत बड़ा घर बना के दूंगा। अगर ये मेरे से दुकान बनवाना चाहे तो वो ही बनवा सकता है, बट उसके बदले एमरल्ड या फिर गोल्ड या फिर आयरन लगेगा। नहीं आयरन नहीं, मेरे पे बहुत है, गोल्ड दे सकता है तो दे देगा। ओ नल्ले अभी जल्दी आ यार, मैं जा रहा हूँ भाड़ में, जा मैं नहीं कर रहा तेरे घर वर का कोई सो, हट मैं बैक कर रहा हूँ। तो गाइस कर दें वीडियो को एंड, देखा देखा देखा, आ जा चलो 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 चलो, चलो। देखो भाई साहब सबसे पहले आपका आ जाता है यहाँ पर स्विमिंग पूल, और यहाँ पर उसकी भैंस की, देखिए भाई साहब सबसे पहले आपका यहाँ पर स्विमिंग पूल, आगे आइए आगे आइए, बहुत बढ़िया। अब गीले हो गए घर में जाओगे हैं, बदतमीज गीले सूखो बार पहले आकर, सूखो पहले बार जाकर, सूखो पहले सूखो, गीले 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 घर में आगे तेरी भैंस की हाँ निकल, तू तोलिया से पोछ पहले खुद को, तोलिया से पोछ खुद को, गंदा आदमी। गेट बंद कर यहाँ का, तमीज ही नहीं है घर में रहने की। आओ ऊपर आओ भाई साहब, आओ आओ आओ, वरना घुसंड मार के ना फूल दूंगा। आओ भाई साहब अब आपको दिखाते हैं तेरी, तो आजा आजा। ये देखिए भाई साहब आपकी ये है डाइनिंग टेबल, और आपका इसके सिवा कोई काम नहीं है तेरे पास क्या? ये देखो भाई साहब ये आपके कागजात, मैं यहाँ पे लगा के जा रहा हूँ, आपको जब पढ़ना भाई क्या करूँ इसका मैं, इसे उठ उठ पहले, इधर देखिए भाई आपका ये बेड हो गया। अब आपको दिखाते हैं आपका सीक्रेट बेस,
ले लीजिए भाई साहब चाबी अपनी, ये चाबी लगाई, गेट खोला, अंदर जाइए। अरे अंदर जाइए यार, ये परेशान कर रहा है मेरे को, अंदर जाइए भाई साहब। भाई साहब से अंदर नहीं जाया जा रहा। अरे क्या बंदा है भाई ये, इसके साथ के ये देखिए भाई साहब आपके दो सोने के आर्मर, और यहाँ पर एक सीक्रेट जगह है, आपको दिखाता हूँ मैं। इधर आइए भाई साहब, आपको जैसे कि आप ये दो ब्लॉक तोड़ेंगे ना, आपको एक ट्रैप डोर दिखेगा। इसकी चाबी शायद मैं लाना भूल गया, सॉरी भाई, इसकी चाबी बनानी पड़ेगी। अबे बन जा यार किसी से तो बन जा, वोड़े मेरे पास हाँ है। चलो भाई साहब अंदर जाइए आप, ये लीजिए। अब बाहर कैसे आएंगे मुझे नहीं पता। हाँ मैं भी आ गया। ये देखिए भाई साहब, ये है आपका सीक्रेट एरिया जहाँ पर आप, अबे इनने खराब कर दिया, इसकी भैंस की टांग कांग गया है। तेरा दिमाग खराब है क्या है, है? तू कितने ले क्या करने आया यार, सुनते दो मिनट भाई साहब आपकी माँ बहन कर दूंगा मैं। इधर आइए भाई साहब, आपको दिखाते हैं हम आपको इससे भी सीक्रेट जगह। ये देखिए भाई साहब, इस ब्लॉक को तोड़ दिए आपको दिखेगा एक ऐसी जगह, ये सड़क क्यों गई सारी। ये देखिए यहाँ पर आपने सीक्रेट से सीक्रेट, ये क्या है, इतना बढ़िया बढ़िया सामान रख सकते हैं भाई साहब। हाँ भाई साहब, ये पिकैक्स मेरे नाम कर दिया आपने, मुझे खुशी। अब भाई साहब निकल, अब भाई साहब नहीं यार, भाई साहब दिमाग खराब मत कर। तो गाइस आज के लिए सिर्फ इतना ही, हमने बहुत मस्ती कर ली, मोटा बाबा ने हाउस खरीद लिया, अब देखते हैं क्या मोटा बाबा 10 डेज में अपनी किस्त दे पाएगा, या फिर सब्सक्राइब लिखना चाह रहा है मगर उसने पता नहीं क्या लिख दिया, उसकी स्पेलिंग मिस्टेक ज़्यादा है थोड़ी। गाइस सब्सक्राइब टू द चैनल, लाइक द वीडियो। अगली वीडियो में हम बनाएंगे एमरेड फार्म या फिर पटेटो फार्म, ठीक है ना, दोनों ही एक तरीके से काम करेंगे, और जल्द से जल्द हम दोनों भाई मिलकर बनाने वाले हैं एक एमरेड का महल, जिसमें ये भी रहेगा और मैं भी रहूँगा। तो लेट्स गो गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।